और ये प्रश्न है राजेश कुमार जी आगरा से। ये पूछ रहे हैं कि महाराज श्री भगवान श्री राम के साथ में सीता जी और लक्ष्मण जी वनवास में गए थे, तो त्याग किसका बड़ा है, सीता जी का या उर्मिला जी का जो लक्ष्मण जी की पत्नी थी। मैं भागवत कर रहा हूँ, आपने रामायण से प्रश्न पूछ लिया। हाँ, फिर भी मैं किसी को कम नहीं कह रहा हूँ, मैं किसी को ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, मेरे भाव को अन्यथा मत लीजिएगा। लेकिन ये सच है कि उर्मिला जी का जो भाव है और उर्मिला जी का जो त्याग है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है, और वो कम नहीं है, वो बहुत ज्यादा है। स्त्री के लिए सबसे मुश्किल काम होता है अपने पति से दूर रहना, और उर्मिला जी ने एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, पूरे चौदह बरस अपने पति के बिना अवध में बिताए हैं, अवध में गुजारे। सीता जी तो तुरंत चली गई थी, जैसे ही सुना कि मेरे प्रभु जा रहे हैं तो सीता जी रुकी नहीं, सीता जी ने निर्णय कर लिया कि मुझे भी जाना है। लेकिन उर्मिला जी नहीं गई, और उर्मिला जी के बारे में तुलसीदास बाबा ने भी लिखा नहीं, ज्यादा नहीं लिखा है उर्मिला जी के बारे में, विशेषकर इस त्याग के बारे में तो लिखा ही नहीं। और मुझे जहां तक समझ आता है कि बाबा ने क्यों नहीं लिखा उर्मिला जी के बारे में, तो अगर कोई मुझसे पूछे तो मेरा पर्सनल मत होगा कि जब किसी की महिमा इतनी हो जाए कि उसके बारे में लिखते हुए भी संकोच हो, कहीं ऐसा ना हो कि मैं इनके बारे में कम लिख पाऊं या कुछ मेरे से गलत लिख जाए या कुछ भी उसके मन में भ्रम होता है, तो जो जहां बहुत हो और वहां थोड़ा लिखा जाए तो डर लगता है। शायद तुलसीदास बाबा उर्मिला जी के बारे में इसीलिए नहीं लिख पाए क्योंकि उनकी जो वैराग्य की, जो धर्म की जो स्थिति थी, शायद पूर्ण रूपेण वो लिख नहीं पाते, इसलिए तुलसीदास बाबा ने उर्मिला जी के त्याग के बारे में किंचित मात्र भी नहीं लिखा, किंचित मात्र भी नहीं लिखा। एक प्रसंग आता है, देखिए इसको भी त्याग कहते हैं, बहुत विचित्र। जिस समय लौट कर आए ना भरत जी चित्रकूट से, तो केकई जी की तरफ या केकई जी से मिलने कोई भी नहीं जाता, कोई भी नहीं जो राम के विरुद्ध हो जाए, उसे कौन मिलना चाहेगा। और ना ही उसके बाद केकई के विषय में तुलसीदास बाबा ने कुछ ज्यादा लिखा, कुछ भी नहीं लिखा, कुछ भी नहीं, बहुत कम। तो जब अवध लौट कर आए तो कोई भी केकई के भवन में जाने के लिए तैयार नहीं होता, न कोई सेवक जाता है, न कोई घर का सदस्य जाता है, कोई भी नहीं जाता। एक दिन कौशल्या जी वहां के निकली तो उन्होंने दृश्य देखा कि केकई अपने वस्त्र स्वयं धो रही है, केकई अपने वस्त्र स्वयं धो रही हैं। ये दृश्य जब देखा तो कौशल्या जी तो राम की मां है सा, उनको बड़ी दया आई, उन्होंने सुमित्रा जी से कहा कि सुमित्रा हमारी बहन ऐसी स्थिति में है, एक काम करो, अपनी बहू को अर्थात उर्मिला को केकई की सेवा में लगाओ, जो भी सेवा है, जो भी करना है वो उर्मिला केकई की सेवा करेगी। तो उर्मिला जी ने कहते हैं जब तक राम वापस नहीं आए तब तक केकई की सेवा उर्मिला जी ने की है। तो ये इतना बड़ा वैराग्य, इतना बड़ा त्याग, जिसको पूरी अवध ने ठुकरा दिया हो, उसने लक्ष्मण की पत्नी ने उनकी पूरे जीवन भर तक सेवा की, इससे बड़ा वैराग्य और क्या होगा। तो उर्मिला जी का वैराग्य लाजवाब है। प्रसंग तो बहुत है, कहते हैं कि मेघनाथ को जब लक्ष्मण ने मारा ना, तो मेघनाथ की पत्नी सुलोचना राम जी के पास आकर कहने लगी मुझे मेरे पति के मरने का दुख नहीं, मुझे सिर्फ इस बात का दुख है, मुझे लगता है कि कहीं मेरे सतीत्व में कमी रह गई,
इसी की वजह से मेरे पति का प्राणांत हुआ। तब राम जी कहते हैं ये लक्ष्मण और मेघनाथ का युद्ध नहीं था, ये सुलोचना और उर्मिला का युद्ध था। एक भाव ऐसा आता है संत के मुख से मैंने सुना, जिस समय राम वन को जा रहे थे तो लक्ष्मण को पता नहीं था, और लक्ष्मण को पता नहीं था तो लक्ष्मण ने अपनी पत्नी से जल मांगा, जल लाओ। तो उर्मिला जी जैसे ही जल पात्र में जल लेकर आई, तब तक लक्ष्मण को पता चल गया और लक्ष्मण वहां से राम जी के पास पहुंच गए। और जब वहां से वापस पहुंच गए तो उर्मिला जी दरवाजे पर वो जल पात्र लेकर खड़ी हो गई, और तब तक खड़ी हो गई जब तक लक्ष्मण वापस नहीं आए। कहते हैं 14 वर्ष तक उस जल पात्र को लेकर यूं की त्यों खड़ी रही। तो राम जी कहते हैं हे देवी, तुम तो अपने पति के साथ हमेशा रही, लेकिन लक्ष्मण की पत्नी का तप कुछ ज्यादा ही हो गया, इसीलिए मेघनाथ का वध हो गया और लक्ष्मण विजयी हो गया। ये लक्ष्मण का विजय नहीं, उर्मिला की विजय है, इसलिए उर्मिला जी का वैराग्य अधिक है मेरे मानने से। और ये प्रश्न है प्रियंका भरूच से, गुजरात से। ये लिखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल को जब मारा तो 100 गालियों के बाद ही क्यों मारा, 100 गालियों से पहले क्यों नहीं मारा? मेरे भाई शायद आप जानते नहीं, ये जो शिशुपाल है ना, ये कन्हैया के भुआ का लड़का है। और जिस समय शिशुपाल का जन्म हुआ था उस समय शिशुपाल के 4 भुजा और 3 नेत्र थे। शिशुपाल की मां ने जब बुलाया पंडितों को, बोले कि ऐसा बालक है इसका क्या होगा, तो उन्होंने कहा कि 2 भुजा और 1 नेत्र जिसको देखकर इसके गिर जाएंगे वही इसका वध करेगा। तो कन्हैया जब इस बालक से मिलने के लिए गए तो कृष्ण को देखते ही इस बालक की 2 भुजा और 1 नेत्र गिर गए। तो कृष्ण वध करेंगे ये पता चल गया कृष्ण की भुआ को। तो कन्हैया की भुआ ने प्रार्थना की, हे कृष्ण कृपा कर दो मेरे बच्चे को, तुम मारना नहीं, इसको वध मत करना, देखो छोटा सा बालक है। तब मेरे कन्हैया ने वचन दिया था, भुआ ये मेरा भाई है, अगर ये 100 अपराध भी करेगा तो मैं इसको क्षमा कर दूंगा, लेकिन 100 अपराध से 1 भी अपराध अगर इसने ज्यादा किया तो मैं इसका बद कर दूंगा। तो 100 गालियां जब तक देते रहे मेरे कन्हैया मंद मंद मुस्कुराते रहे, कहते रहे और दो अभी तो मौका है, और जैसे ही 101वीं गाली दी मेरे गोविंद ने गोविंदा ये नमो नमः कर दिया मेरे भाई। और ये प्रश्न है मधु जालंधर पंजाब से, ये बोलती है महाराज श्री कल्प वृक्ष आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है और ये कहाँ पाया जाता है, अपने पृथ्वी पर कहाँ मिलता है? पृथ्वी पर अगर मिलता तो सबसे पहले मैं ही पहुंचता, उसके नीचे जाके बैठता और मैं उस कल्प वृक्ष से कहता, हे कल्प वृक्ष मेरी कल्पना को पूरी कर दे, विश्व में शांति कर दे, पूरे विश्व में शांति कर दे, मैं उसे सबसे पहले यही मांगता। लेकिन अफसोस पृथ्वी पर नहीं मिलता है, ये देवताओं के राज्य में ही मिलता है, देवलोक में ही विराजमान है, इसलिए इसका और कोई नाम तो बहुत ऐसा कुछ है नहीं, बस कल्प वृक्ष के नाम से इसको जाना जाता है और इंद्र के संरक्षण में ही ये कल्प वृक्ष हमेशा रहता है। और ये प्रश्न है मनोज अग्रवाल जी मॉरिशस से लिखते हैं कि महाराज श्री सबसे पहले देवताओं में गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? एक बार सभी देवताओं में इसी बात को लेकर बहस हुई कि सबसे प्रथम पूजा का अधिकारी कौन सा देवता है, तो सभी देवताओं में निर्णय हुआ कि जो भी इस पृथ्वी की पूर्ण परिक्रमा करके सबसे पहले जो आ जाएगा उस वही सबसे पहले पूजा का अधिकारी होगा। त्रिदेव इनसे अलग थे, ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों नहीं थे इस दौड़ में शामिल, बाकी के सब देवता इसमें शामिल थे। अब सब देवता तो अपने अपने वाहनों पर सवार हो गए और चल पड़े। अब गणेश जी सोचने लगे हमारा वाहन तो भैया ऐसा है कि आज चलेंगे तो पता नहीं कितने वर्षों बाद लौट के आएगा, चूहा ही तो है, क्या करें, इसका मतलब हम तो इस दौड़ में कहीं शामिल है ही नहीं,
लेकिन वो सबको बुद्धि प्रदान करने वाले श्री गणेश जी महाराज वो जानते हैं एक इंसान के लिए अगर समस्त भूमंडल कहीं है तो वो माता पिता के ही अंग में विराजमान है। इसलिए उन्होंने अपनी विचित्र बुद्धि का परिचय दिया, तीव्र बुद्धि का परिचय दिया और अपने माता पिता को ही मध्य में बैठाल कर उन्हीं की परिक्रमा करके वहां पर बैठ गए और इसीलिए वो सबसे पहले पूजा के अधिकारी हो गए।